नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण भूस्खलन से कई घर ढह गए हैं। पहाड़ी इलाके में हुए भीषण भूस्खलन में ढही इमारतों और मकानों के मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस भूस्खलन का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के दरकने से घाटी में बसे मकान कैसे ढह गए। भूस्खलन के दृश्य में कई बहुमंजिला इमारतों को ढहती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय मौसम विज्ञान ने आज से अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावना देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें निवासियों को मौसम की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिले में भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त कुल्लू मंडी राजमार्ग पर आज सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी एनआई के हवाले से कुल्लू की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साक्षी वर्मा ने कहा, कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पंडो के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए यातायात की आवाजाही फिलहाल निलंबित है। लगातार बारिश के कारण परिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्य में भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ के साथ व्यापक तबाही हुई है। राज्य सरकार ने पहले पूरे राज्य की प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए काम कर रही है। इस मॉनसून सीजन में भारी बारिश के कारण कुल 709 सड़कें बंद हो गई है।